पिताजी, आपका हत्यारा बहुत खुश है कि वो आज कोर्ट से रिहा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने सेल्फ डिफेंस के कानून का सहारा लिया है, मैं भी उसी कानून का सहारा लूंगी, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दीवान साहब ने जो कुछ किया और बाद में जो कुछ हुआ, वो सब यही हुआ। जज साहब, आपने भी तो देखा था, तो अब बोलने के लिए बचा क्या है? जो गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ। कुछ ऐसी बातें भी कहनी पड़ेगी जो इस अदालत में नहीं हुई थी। हम ठहरे गरीब लोग, हमारे पास न तो दहेज देने के लिए रुपए हैं और न ही वकील की फीस के लिए, इसलिए मैं खुद ही इस केस की पैरवी कर रही हूँ। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर अंकुश, आपको एक वादा करना पड़ेगा कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी, आप उसका जवाब बहुत ही शांति से दीजिएगा। शांति से ही जवाब दूंगा। भड़क मत जाइएगा। जी हरगिज़ नहीं। सुना है आपकी माँ वैश्या थी? मुंह संभाल के बात कर। आपकी माँ वैश्या थी या नहीं? खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो। साली कमीनी। योर ऑनर, मेरे इतना समझाने के बावजूद कि शांति से जवाब दीजिए, जब मैंने इनसे ये कहा कि इनकी माँ वैश्या थी, जो एक सच है, तो ये भड़क उठे। तो बताइए योर ऑनर, मेरे पिता दीवान साहब को उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आता जब उनको वैश्या का बाप कहा जा रहा था, वो भी इस भरी अदालत में चीख चीख कर सबके सामने। मिस्टर अंकुश, आप रिवॉल्वर अपने पास हमेशा रखते हैं या नहीं? हाँ। योर ऑनर, रिवॉल्वर हमेशा अपने पास अक्सर वो लोग रखा करते हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है या शोहरत। दौलत तो आपके पास है नहीं, क्योंकि चरस पीने के लिए पैसे भी आपको ससुराल वालों से भीख में मांगने पड़ते हैं। अब रही शोहरत की बात, तो इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आधी रात के बाद गली के आवारा कुत्ते आप पर भौंकते जरूर होंगे। आपके पास न तो दौलत है न शोहरत, फिर अपने पास रिवॉल्वर रखने की वजह क्या है? वजह यह है कि आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं, आप गुंडे हैं। तू मुझे घटिया इंसान और गुंडा कह रही है? मैंने तो फिर भी कुछ अच्छा कह दिया। आपके ससुराल वाले तो आपको कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं वो? आपकी सास आपको नामर्द कहती है। उनका कहना है कि जो मर्द अपनी कमाई से अपनी बीवी बच्चों को पाल न सके, वो काहे का मर्द, वो तो नामर्द होता है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप इस लिहाज से नामर्द नहीं है? You shut up. आप उनके झूठन पर पलते हैं, इसलिए आप उस वफादार कुत्ते की तरह हो गए हैं जो मालिकों के कुछ कहने से पहले ही भौंकना शुरू कर देता है। बताइए, दीवान साहब ने आपसे कुछ कहा था? नहीं। चौधरी खानदान ने आपसे कुछ करने के लिए कहा था? नहीं। तो फिर आपने गोली क्यों चलाई? योर ऑनर, जो अपनी जिंदगी अपनी खुशी से झूठन और उतरन के सहारे गुजारता हो, वो हर रात बिकने वाली उन बाजारू औरतों से भी ज्यादा गंदा और घिनौना होता है। बहुत बोली, अब आगे बोली रख तो। बस बस रहने दीजिए, मुझे मत डराइए। मुझे मालूम है कि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आप जैसे नामर्द को मर्द बना सके। हरामजादी, मैं तुझे। ये अदालत है, यहाँ किसी को धमकी देना अदालत की मर्यादा के खिलाफ। अदालत की मर्यादा की ऐसी की तैसी, तेरी तो। आइए आइए। निरंजन चौधरी कौन है? मैं। आइए मेरे साथ। Oh, my God.
मानी पुरानी सासू जी, सही चीज सही जगह पहुंच ही जाती है, कोई कुछ भी करे। नमस्ते सेठ जी, आप अंकुश चौधरी के श्राद्ध में नहीं आए? मैं खूनियों और बदमाशों के श्राद्ध में नहीं जाता। तब तो बहुत अच्छा किया आपने, अब जो होना था वो हो चुका, अब जो होना है वो हो जाना चाहिए। शादी की नई तारीख निकलवा लें? ये शादी अब नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी। हमने जो कह दिया वो कह दिया। नहीं सेठ जी, शादी की तैयारी में हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं, ऊपर से जात बिरादरी में नाक कट जाएगी। ऐसा मत कीजिए, ये रिश्ता मत तोड़िए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए। अरे पंडित के कहने पर हमने तुम्हें गंगा जल समझा था, लेकिन अब पता चला कि तुम गटर का वो गंदा पानी हो जो केमिकल डालने से भी साफ नहीं होता। चले जाओ यहां से। आ जाओ मिलक प्याले प्याले बच्चों। अच्छा अच्छा, पापा भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। रहीम चाचा, रहीम चाचा की ये बच्चों को सर आइसक्रीम खिला देने चाहिए, बहुत जिद कर रहे। जाओ बेटे जाओ। चलो सुनिए, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं नहाने जा रही हूं। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, जिसके लिए ये जगह मुनासिब नहीं। हम कहीं और मिलेंगे। देखो, पूरे एक महीने के बाद मेरी बीवी और बच्चे घर लौटे हैं, आज मैं घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। मिस्टर राज, हम दोनों ने यहाँ एक रात गुजारी है। जो शक मेरी ससुराल वालों को हुआ, वही शक आपकी पत्नी को भी होगा। अपनी पवित्रता का सबूत न तो मैं दे पाए थे और न आप दे पाएंगे। जिस तरह मेरी दुनिया बर्बाद हुई, उसी तरह आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इस बर्बादी से बचना चाहते हैं तो ये रहा मेरा पता। एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरे परिवार में जरा भी जहर घोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कहानी ही खत्म कर दूंगा। खुद तो मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आए और तिनका तिनका बिखेर दिया, और आज जब खुद के घर में जरा सी हवा चली तो पत्ते की तरह कांप गए और रिवॉल्वर निकाल लिया। चलाइए गोली, चलाइए। गोलियों से ना तो कहानी खत्म होती है और ना ही पाप मिटता है। बहादुर हो, तुम्हें गोलियों से डर नहीं लगता? जिस औरत का न भाई हो, न बाप, न शौहर, न समाज, वो औरत औरत नहीं रहती, लाश बन जाती है, और लाश गोलियों से नहीं डरती। और इन सब के जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहता था। फिर मुझे बर्बाद क्यों किया? मेरी एक बहन थी राधिका,
वो निरंजन से प्यार कर बैठी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन निरंजन ने उसे ठुकरा दिया और उसने आत्महत्या कर ली। बात यह है कि भैया पर बहुत सी लड़कियां मरती थी, एक थी राधिका, उसने तो भैया के लिए अपनी जान ही दे दी। मैंने अपनी बहन की चिता पर कसम खाई थी कि मैं निरंजन को कभी शादीशुदा जिंदगी का सुख भोगने नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे बदचलन आवारा साबित करके घर से निकाल दिया। मैं एक बहू नहीं रही, मेरा बाप नहीं रहा, मेरा बच्चा नहीं रहा। मिस्टर राजेश्वर, तुम एक बेटी, एक बहू और एक माँ, तीनों के मुजरिम हो। सचमुच बदले की भावना में मैं अंधा हो गया था। मैं ये सोच भी नहीं पाया कि जो आग मैं लगा रहा हूं वो और किस किस को जलाएगी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं पूजा, तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो। अब मैं हर कीमत पर उनसे बदला लेना चाहती हूं, और इस बार अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो वो कीमत मैं चुकाऊंगा। रामोतार की बीवी खेतों पर काम कर रही है। क्या, चल वे लो। तेरी इतनी हिम्मत, निकल जा मेरे खेत से। ये तो हमारा खेत है चौधरी जी। अरे तुम्हारा था, अब ये मेरा है। राम अवतार ने 20,000 रुपए का कर्जा लिया था, जो सूद समेत 50,000 रुपए हो गए थे। ये कर चुकाने के लिए राम अवतार ने मरने से पहले सारा खेत मेरे नाम कर दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं चौधरी जी। अरे मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये कागजात झूठ नहीं बोल सकते। ये देखिए मुखिया जी, ये देखिए राम अवतार के अंगूठे का निशान देखिए। हाँ भाई, कागजात तो पक्के। हाँ बिलो, निकाल इसे। अरे निकाल। ए चलो निकलो, भागो। निकाल दिया। चौधरी, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। चौधरी जी, ओ चौधरी जी, मैं ये पूछ रहा था कि राम अवतार जी की तो तुमसे पटती भी नहीं थी, वो तो तुम्हारे दरवाजे पे थूकने भी नहीं आता था, मतलब आता नहीं था। फिर उसने कर्जा कभी लिया तुमसे, और वो कागजात पर निशान कब लगाया? बीच में मत बोल। कमाल है, और बनने में अभी बीच में बोलते हैं, मगर आप उन्हें कुछ नहीं डांटते। हाँ हाँ, नहीं डांटता इसलिए कि वो मर्द है। तू मर्द है क्या मुखिया जी? साले को क्या मालूम कि राम अवतार एक इज्जतदार आदमी था, और हर इज्जतदार आदमी कभी किसी के सामने नहीं, हमेशा छुपकर कर्जा लिया करते हैं। क्यों मुखिया जी, जब आपकी बेटी की शादी हुई थी तब आपने भी तो। हाँ चौधरी साहब सच कह रहे हैं, पंचायती करने आया था साला। इतने भी हमारी बेइज्जती मत कीजिए चौधरी साहब। क्या करेगा, क्या करेगा तू? आंख दिखाएगा, दिखाएगा आंख, रीति मत, आंख निकालूंगा साले, भाग जा यहां से। कभी मेरी दुकान पर आया तो देखो साईं, अगर 2 दिन के अंदर तुमने फैक्ट्री नहीं खरीदा तो मैं किसी दूसरे को दे दूंगा। अरे तुम भी खामखा की धमकी देते रहते हो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस फैक्ट्री खरीदने वाला कोई दूसरा नहीं है। अरे आपका ख्याल गलत है साईं, दूसरा ग्राहक माल के साथ तैयार खड़ा है। वो तो आपसे पहले बात हो गई थी, इसलिए 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, दूसरे ग्राहक से मिलवाऊं, खातिरी कर लो। अरे साईं जरा बाहर आना। ये तो अभी पूरा पेमेंट देने को तैयार है, लेकिन मैंने आपको जबान दी है इसलिए 2 दिन दे रहा हूँ, और बिजनेस में जबान की बड़ी कीमत होती है। अरे आप दोनों एक दूसरे को हेलो भी नहीं बोला। आपको 2 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे। साईं, आपको देखते ही निरंजन की आंखों में खून उतर आया था, और उसे देखते ही मुझे अपना खून याद आ गया था। उसका मूड देखकर तो ऐसा लगता था जैसा वो आपको मार ही डालेगा। ये काम तो वो पहले ही कर चुका है दुदानी, अब तो उसके मरने के दिन है। अब तो उस फैक्ट्री को खरीदना जरूरी हो गया है, वो भी उस फैक्ट्री को खरीदना चाहता है। कौन? वही जिसके पास पूजा गई थी। मैं उसके पास वो फैक्ट्री नहीं जाने दूंगा, ये मेरी मान का सवाल है।
तू चिंता क्यों करता है बेटा? अपने बेटे का मान रखने के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। ये रहे 10 लाख रुपए। तेरे पिताजी को ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोगों ने ये पैसे निकाले, वरना वो जिंदा ही चिता पर लेट जाएंगे। ये रहे 10 लाख रुपए कैश और ये रहा बैंक का 20 लाख रुपए का चेक। पेमेंट पूरा हो गया? हो गया साईं, बिल्कुल हो गया। और ये मेरी तरफ से फैक्ट्री के कागज। मिस्टर निरंजन, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। शट अप। आप ये बताइए कि आप यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं या आंसू पिछवाने? अगर तो आंसू पिछवाने आए हैं तो ये लीजिए रुमाल, पूछिए आंसू और दफा हो जाइए यहाँ से। नहीं नहीं, मैं तो रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ जी। मेरी तिजोरी से 10 लाख रुपए चोरी हो गए, मैं कंगाल हो गया हूँ जी, कंगाल। बस बस, चिंता मत करो। इतना याद रखो मियां, चिंता और चिता में एक चिविंदी का फर्क है। अगर आपने इनको 10 लाख रुपया दिलवा कर चिंता से छुटकारा नहीं दिलवाया तो ये चिता पर लेटकर अपनी जान दे दें। मरने की तब सोचना जब घर में पैसे हों, वरना श्राद्ध भी ठीक तरीके से नहीं होगा और आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। जी आप ठीक कह रहे हैं। किसी पे शक? कौन सी मारू? ए बीच की मारना। ओ, अरे दो बजाने कौन है? जरूर इसने ही चुराई होंगी। ए चल फूट, चल निकाल मेरी गोलियां। नहीं है ना? हाँ। बिल्लू तेरा नाम है? हाँ मेरा ही नाम है। तो चल। ओ, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए। मैं श्री बाप हूँ, हरामी लगता हूँ ना? हरामी लगता नहीं, हरामी हूँ, बहुत बड़ा हरामी। इसने तो मेरी मार खाता ही, गूंगे भी ठुमरी गाने लगते हैं। चल चल जल्दी से उगल दे, चल चल। दया, कितनी किलो दया चाहिए? बोल बे छक्के, रुपया कहाँ है? बोल बे दया कीजिए। सर, इसे मत मारिए सर। तो क्या इसका चुम्मा लूं? मेरी एक बात सुन लीजिए सर, टीवी सीरियल महाभारत तो आपने देखा होगा, भीष्म पितामह की मौत की वजह एक छक्का था। आपका नाम भी भीष्म है और ये एक छक्का, इसीलिए कहता हूँ कि प्यार से काम लीजिए। मेरे लाल, ये प्यार करने की कोई रोमांटिक जगह नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, समझे? आजकल बहुत टीवी देखता है, जा। और चौधरी साहब, थाने में सर ले आना जरूरी था क्या? तो अपने सर को कहाँ रखूं? लेकिन सर आप टकले कब से हुए? और चौधरी साहब, ये टकले का सर है ना, गुस्से का स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड जिसके 24 बटन आपने दबा दिए हैं। शुक्र करो आप बच गए, क्योंकि आप भी तो टकले है ना। लेकिन मैं उस साले को नहीं छोड़ूंगा। अब बता, तूने रुपए लिए या नहीं? मैंने कुछ नहीं किया भगवान की शक्ल, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोलता है इंस्पेक्टर। तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं, मैंने चोरी नहीं की है।